10 दिन में पेट्रोल 7 और डीजल 6.5 रुपए महंगा। जानिए भोपाल में आज क्या है कीमत। नमस्कार, मैं हूँ रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज चैनल MP7 News। आप MP7 News चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। देखिए भोपाल की विशेष बड़ी खबर। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी है। तेल कंपनियों ने गुरुवार को एक बार फिर पेट्रोल व डीजल के दामों में 80 पैसे से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी है। बीते 10 दिन में यह 9वीं बार है अब पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। इसका असर यह है कि गुरुवार को भोपाल में सादा पेट्रोल के दाम 114.21 रुपए प्रति लीटर तक पहुँच गए, वहीं डीजल का 97.45 रुपए हो गया। सुबह 6 बजे से यह बढ़े हुए दाम प्रभावी हो गए। तेल कंपनियों द्वारा बीते 10 दिन में 7वीं बार पेट्रोल डीजल के दामों में लगभग 80 पैसे की बढ़ोतरी की है। आलम यह है कि बीते 10 दिन में पेट्रोल 6.87 रुपए और डीजल 6.49 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल डीजल बढ़ने से अब तक यह असर दिखा। 10 दिनों में महंगाई का असर दिखने लगा है। आटा, दाल, मसाले 10 से 15% तक बढ़ गए हैं। वहीं मैजिक वाहनों, ऑटो का किराया भी 15 से 20% तक बढ़ गया है। सिटी बसों का किराया भी बढ़ गया है, जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। वहीं भोपाल से प्रदेश के अलग अलग जिलों में संचालित होने वाली निजी बसों का किराया 20% तक बढ़ने की मांग अलग अलग एसोसिएशन करने लगी है। अब आगे क्या? यदि आगामी दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों का बढ़ना नहीं रुका तो माल भाड़ा बढ़ेगा। इससे सब्जी, फल, दवाएं, किराना, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, कपड़ा, बर्तन सहित अन्य अति आवश्यक व आवश्यक वस्तुओं के दाम भी बढ़ जाएंगे। पेट्रोल डीजल ने बिगाड़ा बजट। जी हाँ, कोलार ललिता नगर के रहवासी अनंत अवस्थी एक निजी कंपनी में मार्केटिंग का काम करते हैं। 21 मार्च को अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल 107.34 प्रति लीटर भरवाते थे। रोजाना 1 लीटर पेट्रोल का खर्च था। महीने भर में 3,220 रुपए का पेट्रोल लग जाता था। अब 114.21 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल भरवाया है। उनका कहना है कि यदि यही दाम रहे तो 1 महीने में 3,426 रुपए का पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। ऐसे में 1 महीने में 206 रुपए का खर्चा सिर्फ पेट्रोल का बढ़ जाएगा। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 News। आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।